नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, वाराणसी में हो रहे विकास कार्यों के अंतर्गत काशी रेलवे स्टेशन का बहुत ही जल्द कायाकल्प होने वाला है। विश्वनाथ धाम की दिखेगी झलक, वित्त विभाग की मुहर 366 करोड़ रुपए होंगे इस परियोजना में खर्च। पतित पावनी गंगा और वरुणा के संगम पर स्थित काशी रेलवे स्टेशन जल्द ही देवाधिदेव महादेव के भव्य धाम जैसा धमकेगा। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्टेशन के पहले और दूसरे द्वार को भव्य बनाया जाएगा। रेलवे प्रशासन के मुताबिक काशी रेलवे स्टेशन के आंतरिक और बाहरी हिस्से को काशी विश्वनाथ धाम जैसा बनाया जाएगा। वाराणसी का काशी रेलवे स्टेशन अब इंटर मॉडल स्टेशन भी कहलाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी पुरानी योजना का नए सिरे से DPR तैयार कर लिया है। इसमें 3 मंजिल इंटर मॉडल स्टेशन मौजूदा काशी स्टेशन और उसके आसपास बनेगा। यहां बस, ट्रेन और वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी। 3000 करोड़ की यह योजना करीब 40 एकड़ जमीन में मूर्त रूप लेगी। इस राष्ट्रीय राजमार्ग से भी इसको जोड़ा जाएगा और रिंग रोड से भी, साथ ही सिग्नेचर ब्रिज भी बनेगा। कैंट स्थित रोडवेज बस स्टेशन भी यहीं शिफ्ट होने की प्रस्ताव है। काशी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बढ़ाए जाएंगे और ट्रेनों का आवागमन भी बढ़ेगा। 3 मंजिला होगा IMSK। सूत्रों के अनुसार शहर में चलने वाली बसों का आवागमन इस सिटी बस टर्मिनल में होगा, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर बनेगा। इससे शहर में यातायात जाम से निजात मिलेगी। 8 मीटर की ऊंचाई पर काशी रेलवे का रीमॉडलिंग किया जाएगा। करीब 17 मीटर की ऊंचाई पर तीसरे मंजिल पर इंटर स्टेट बस सर्विस की सुविधा रहेगी। एलिवेटेड फ्लाईओवर से जुड़ेगा IMSK। इंटर मॉडल स्टेशन काशी में सीधे आने वाले को लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के लिए अलग अलग रास्ता होगा। प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज में ISBT के ही लेवल पर गंगा फेसिंग पर 5-स्टार होटल और 3-स्टार होटल बनेगा। इस मल्टी टर्मिनल से खिड़किया घाट और अन्य घाटों व वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी जाने का रास्ता होगा। ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित हो रहे काशी के एक ही छत के नीचे जल, नभ और थल की यात्री सुविधाओं वाले इंटर मॉडल स्टेशन को मूर्त रूप दिया जाएगा। इस योजना में करीब 3000 करोड़ रुपए की वाराणसी की अब तक की सबसे बड़ी यह परियोजना होगी। काशी रेलवे स्टेशन को नीचे जल, नभ और थल की यात्री सुविधाओं वाली इंटर मॉडल स्टेशन को मूर्त रूप दिया जाएगा। इसके लिए काशी स्टेशन के आसपास की 40 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। इस स्टेशन पर 5-स्टार होटल के साथ ही अर्बन हॉट और सभी यात्री सुविधाएं होगी। काशी रेलवे स्टेशन को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR मंजूर हो गई है। रेलवे के वित्त विभाग के मुताबिक इस पर 366 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह स्टेशन आध्यात्मिक नगरी काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो इंटर मॉडल स्टेशन काशी की विस्तृत कार्य योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी चैत्र नवरात्रि के इसमें आधारशिला रखी जा सकती है और अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। पतित पावनी गंगा और वरुणा के संगम पर स्थित काशी रेलवे स्टेशन जल्द ही देवाधिदेव महादेव के भव्य धाम जैसा धमकेगा। इसकी डिजाइन और DPR को रेलवे ने वित्त विभाग में मंजूरी दे दी है। अब रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के पास भेजी जाएगी। बोर्ड की औपचारिक मुहर के साथ ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। 30 महीने में बनकर तैयार होगा यह काशी का इंटर मॉडल स्टेशन। इंटर मॉडल स्टेशन शिलान्यास के बाद 30 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा और इस स्टेशन का पुनर्निर्माण भी होगा। रेलवे स्टेशन आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस होगा। स्टेशन के कायाकल्प के बाद तस्वीर भी बदल जाएगी। ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जा सकेंगी। कई जोड़ी नई ट्रेनें चलाई जा सकती हैं।
स्टेशन की लाइनों को सीधा किया जाएगा जो कि अभी वर्तमान में घुमावदार हैं। अभी काशी रेलवे स्टेशन से रोजाना 12 जोड़ी ट्रेनें चलती हैं। इनकी गति करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रेल यातायात के क्षेत्र में एक बड़ी परियोजना को आकार देने की तैयारी चल रही है। उप मुख्य अभियंता SV मलिक के मुताबिक काशी रेलवे स्टेशन और उसके आसपास 3 मंजिला इंटर मॉडल स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। स्टेशन का प्रमुख उत्पाद पहचान को समर्पित कला और कलाकार से संबंधित जानकारी उपलब्ध रहेगी। काशी की विशेषता भी प्रदर्शित की जाएगी। स्टेशन पर ही 5 सितारा और सामान्य श्रेणी के होटल भी बनेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इंटर मॉडल स्टेशन को सड़क से जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी DPR बनाई है। मालवीय ब्रिज के समानांतर डबल डेकर पुल बन जाने के बाद गंगा के पूरब से पश्चिम की दूरी भी घट जाएगी। दोनों प्रवेश द्वार को जोड़कर कॉन्कोर्स को बनाया जाएगा। यात्री सीधे प्लेटफॉर्म पर जाने के बजाय टिकट लेकर कॉन्कोर्स पर जाएंगे। यहाँ यात्रियों की सुविधाओं के लिए ट्रेनों की आवाजाही से जुड़ी सूचनाएं प्रसारित की जाएंगी। डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। सटीक जानकारी मिलने के बाद यात्री स्वचालित सीढ़ियों से चलकर प्लेटफॉर्म तक जाएंगे। इस स्टेशन के बनने के बाद वाणिज्यिक गतिविधियां भी तेज होंगी। इस स्टेशन को संपर्क मार्ग से सीधे हाईवे से जोड़ा जाएगा। इससे ट्रेनों से आने जाने वाले उत्पादों को सड़क मार्ग से दूसरे शहरों तक भेजा जा सकेगा। स्टेशन को सीधे रामनगर मल्टी मॉडल बंदरगाह से भी जोड़ने की योजना है। दूर दराज के व्यापारी ट्रेन, सड़क और जलमार्ग का प्रयोग वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कर सकेंगे।